हाँ दोस्तों, सना ठाकुर। दोस्तों आज मैं आपको एक स्पेशल गेस्ट से मिलाऊंगा और मुझे बड़ी खुशी हो रही है उनको मिलाने में, क्योंकि वो मेरे ऑफिस से हैं और ऑफिस से ही नहीं तो वो बेस्ट परफॉर्मर हैं। ठीक है, तो ज़्यादा मैं ना बताते हुए मैं उनसे कुछ सवाल पूछूंगा, वो कैसे ऑफिस में आए थे और वो कैसे कहाँ तक पहुँचे तो वो खुद बताएंगे। तो हेल्प मी वेलकम संतोष। हाय सर। और संतोष, कैसा लग रहा है तेरे को आज कैमरे के सामने? बढ़िया लग रहा है सर। गुड। तो संतोष, ऐसा है कि यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो देख रहे हैं, यू नो, सीखते हैं, जो सब्सक्राइबर होते हैं ना जैसे यूट्यूब पे, तो कई लोग सोचते हैं क्या मैं कर पाऊँगा, मेरा एजुकेशन ऐसा है, मेरा बैकग्राउंड ये नहीं है, और बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो जस्ट आपने अपनी शेयर करनी है स्टोरी कि आप कैसे कारगिल प्रॉपर्टी में आए और यू नो थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड और फिर आज कहाँ पर हो और इस दौरान क्या क्या सीखा, तो जस्ट आप शेयर करिए। हेलो दोस्त, मेरा नाम संतोष है, मैं जालना औरंगाबाद से हूँ। मैं स्टार्टिंग में पूना में आया था, ऑलमोस्ट 10 साल 2012 में आया था। मतलब मेरी परिस्थिति सच में इतनी ख़राब थी, मैं घर से भी थोड़ा इतना कुछ अमीर नहीं हूँ और पढ़ाई में भी इतना कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूँ। 10 तक पढ़ा हूँ और 12 फेल हूँ। पूना में आने के बाद कुछ सिचुएशन से मैं पूना आना पड़ा मुझे। वो फिर पूना आने के बाद कोई सपोर्ट नहीं था, नो फैमिली, नो रिश्तेदार, कोई नहीं था। ऑलमोस्ट आने के बाद एक छोटा सा घर था, जो भी मतलब गांव का होता है कि जैसा मतलब बोल सकते हैं उसके कि अपन जैसे गांव में कुछ पतरे का घर था। मतलब खाना पीना कुछ भी नहीं था, मतलब एक ही शर्ट था, एक ही पैंट थी। इतना सिचुएशन ख़राब था। 6 महीने तक ऑफिस से आता था, धोता था, फिर बाहर डालता था, फिर सुबह उठ के वो पहन के निकल जाना था ऑफिस में। मतलब बहुत ही बेकार। मतलब आज वो सिचुएशन अगर मैं देखता हूँ तो सच में मुझे आँखों में पानी आ जाते हैं। तो उसके साथ मैं एक बिल्डर से जुड़ा हूँ, मतलब उधर भी ऑफिस बॉय से ही स्टार्ट किया था कि चलो भाई मिल रहा है, ज्वाइनिंग हो गया। 6,000 रुपये वहाँ पर सैलरी थी। और ये कौन से साल की बात है? ये 2013 में 6,000 दोस्तों। यस यस, 6,000 में, उसमें से आधा तो रेंट जाता था, 3,000 रेंट जाता था। पर क्या करें कि भाई सीखना है, कुछ छोड़ नहीं सकते थे और कुछ नॉलेज भी नहीं था इतना पुणे का, कोई रिश्तेदार भी नहीं था। फिर वहाँ पे 6 साल तक निकाला मैंने, 6 से 8, 10 तक चली गई। फिर थोड़ा सा उधर भी नॉलेज थोड़ा सा आने लगा कि होता है, पर रियल इस्टेट मुझे कुछ भी नहीं पता था। मतलब रियल इस्टेट होता क्या है ये भी नहीं पता था। जैसे आप मतलब जैसे बाहर था, मैं बिल्डर के बच्चे सीपी लोग आते थे तो मैं यही सोचता था कि ये क्या करते क्या हो सीपी, मतलब मुझे जीरो नॉलेज। फिर एक दिन ऐसा ही हुआ कि आपसे मुलाकात हो गई। मुलाकात में भी ऐसा हो गया कि देखो कि मतलब सर ने मुझे बोला था कि मेरे को एक क्लीनिंग वाला बंदा चाहिए, तो मैं क्लीनिंग के लिए मिलवाने आया था, यही देता। तो उन्होंने बोला फिर तू भी ज्वाइन हो जा। फिर मैंने 1 महीने का नोटिस पीरियड बोला था सर को, तो उन्होंने बोला हाँ ओके। तो मैं भी इधर ऑफिस बॉय हो के ही ज्वाइन हुआ था। मतलब मेरा काम था कि क्लीन वगैरह करना, ऑफिस सब कुछ करना। फिर ऐसा मैंने ऑलमोस्ट 1.5 महीना काम किया, पता नहीं सर को क्या लगा मेरे इसमें। फिर धीरे धीरे मैं रेंट करने लगा, पर जब भी कुछ नॉलेज नहीं था, कुछ नहीं था। समझाने वाला सर थे, सब समझाया A to Z, मतलब कैसा होता है रियल। आर भी नहीं पता था मुझे रियल इस्टेट का, पर पॉसिबल करके सर ने किया। ऑलमोस्ट 4 साल हो गए मैं कारगिल से जुड़ा हूँ। मैंने पहली बार मतलब 33 ईयर्स का मैं हूँ, तो मैंने बहुत कुछ जॉब किया है, पर पहला जॉब ऐसा है कि वहाँ पर सिखाते भी है, सब कुछ है और मुझे अच्छा भी लगता है। आज की मेरी मतलब जो पहले 2 साल गुजारे और आज मैं 2023 में हूँ, तो बहुत कुछ चेंज हो चुका है। मतलब पॉसिबल होता है, मुझे भी नहीं कभी लग रहा था कि पॉसिबल होगा मेरा ऐसा रियल में, क्योंकि मेरे डैड बात नहीं करते थे, कोई बात नहीं करता था मेरे से 2 साल तक, कुछ भी नहीं, मैं अकेला था वो करता था। पर इधर आने के बाद रियल इस्टेट में मतलब सर ने सिखाया, सब कुछ सिखाया, कैसा होता है, डरने की बात नहीं, हर दिन
मतलब ट्रेनिंग होती थी, सिखाते थे, तो मैं सक्सेस होते 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 चला गया। आज का सिचुएशन ऐसा है कि मैं हर महीने 50,000 रुपये कमाता हूँ, कोई एजुकेशन नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, मुझे आज भी इंग्लिश नहीं आती है, फिर भी कॉन्फिडेंस मेरा सर बताते हैं कि कुछ डरना नहीं, कुछ नहीं। और रियल एस्टेट सच में अच्छा है, जैसे सर बोलते हैं कि खजाना है रियल एस्टेट में, सच में खजाना है। और सर जैसे मेरे को भगवान मिले, मैं तो यही सोचता हूँ कि भगवान ही मिले मुझे। तो आज मेरे पास बैंक बैलेंस भी है, मैंने हो गया मतलब आज 10 साल में हो गया, पर जब रोहन में था जो कुछ नहीं था, पर रियल एस्टेट आने के बाद मैंने एक प्लॉट भी लिया है, ऑलमोस्ट उसकी कीमत 14 लाख रुपये है आज, और मैं आगे उसको सोच रहा हूँ करने का। मेरा बच्चा भी है, वो भी अच्छे स्कूल में पढ़ता है, जो जो मेरा ड्रेस है वो है, सब अच्छा पहनता हूँ, सब कुछ होता हूँ, अच्छे घर में रहता हूँ अभी, तो सर की वजह से ही वो जो भी है, तो सब कुछ पॉसिबल है, करने वाला होना चाहिए बस। थैंक यू सर। बाप रे, बहुत दोस्तों ये जब बोल रहे थे तो ऐसे लगता था कि बस सुनते रहें, क्योंकि ट्रेनिंग तो बहुत होती है, बताई सारी चीज़ें जाती है, बट जब कोई अपनी स्टोरी बताता है, और मैं आप लोगों को बताऊं ये 100% सच है, एक बात भी ऐसी नहीं है कि कुछ कम ज़्यादा करके बताया है। तो यहाँ पे अगर संतोष जैसा आदमी जिस जो आया कुछ नहीं था और एक ही ड्रेस था जो उसने पहन रखा था, अपने कपड़े धोना शाम को एंड देन दूसरे दिन भी वही पहनना, उसके बाद 6,000 की पहली जॉब, 3,000 रेंट जाता था, उसमें उसने कैसे सर्वाइव किया, बहुत ही इमोशनल। तो आप लोगों के कोई अब बहाने आप नहीं कर सकते, अगर संतोष जैसा आदमी कर सकता है तो मेरे ख्याल से जो आप लोग देख रहे हो इससे कई गुना बेटर है। आप खुद बताइए, हाँ या ना, अपने आप से सोचिए कि अब आपका क्या एक्सक्यूज हो सकता है, क्या आप इतने हो कि आपके पास केवल एक कपड़ा है, ना कोई ऐसा एजुकेशन था उनका, उन्होंने बताया अपने बारे में, और फिर यहाँ आए तो सेम ऑफिस बॉय, और वहाँ से आज मेरे ऑफिस के बेस्ट परफॉर्मर हैं, आप समझ सकते हो। तो अगर किसी के अंदर काम करने की चाहत है, आगे बढ़ना चाहता है ना, दुनिया में कोई रोक नहीं सकता। और जो आपकी आज परेशानियाँ हैं वो आपके रीज़न होने चाहिए आगे बढ़ने के लिए, पैसा नहीं है इसीलिए तो किया, किसी के लिए पैसा नहीं है तो मैं क्या करूं, एजुकेशन नहीं है तो क्या करूं, तो वो आपका बहाना भी बन सकता है और किसी के लिए वो रीज़न भी बन सकता है कि इसलिए किया मैंने। और इनका मेहनत करना, नहीं तो लोग आते हैं थोड़ी दिन करते हैं शॉर्टकट कि इधर करें उधर करें, रियल एस्टेट में आप लोग जानते हो बड़ा मुश्किल काम क्या है, एक अच्छा कोई काम करने वाला मिल जाए, और जैसे वो मिल जाता है तो उसका दिमाग 10 जगह जाता है कि यार शॉर्टकट मारते हैं, एक इधर का उधर करते हैं, पर वो सब खत्म हो जाते हैं। अब शॉर्ट टर्म शॉर्टकट वो ज़्यादा दिन नहीं चलता, ये इतना ही ईमानदार, जैसे मेरा खुद का बेटा होता है वैसे मैं इनके साथ रहता हूँ, कोई ऐसा बॉस और ये वाला नहीं है, और वो भी ऐसे ही समझते हैं। तो इतना अच्छा इन्होंने काम किया, पर अभी जो चीज़ें बताई, मैं चाहता हूँ कि कुछ अभी टिप्स दो लोगों को, अब रियल एस्टेट आने के बाद क्या क्या मतलब आपको लगता है कि ध्यान देना चाहिए किसी बंदे को, टेक्निकल चीज़ें जैसे रेंटल में या सेल में, एक दो बातें जो आप ऐसे बताना चाहो। सेल में दूसरा ये की है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि प्रॉपर्टी बेचते हैं, मतलब कि ये बताएंगे वो बताएंगे, तो सेल में एक ही होता है कि जैसे आप बोलते हो कि जाके खाली दिखाओ बस, तो आपसे सिखाओ कि प्रॉपर्टी के बारे में ज़्यादा मत बताओ कि आजू बाजू में क्या सिचुएशन है वो पहले बताओ, क्योंकि क्लाइंट को तो पता होता है कि प्रॉपर्टी क्या होती है वो दिख के। तो वही है कि सब लोग यही करो कि प्रॉपर्टी मत बेचो, सर्विस रहेगी तो जब भी अपना परफॉर्मेंस बढ़ेगा, परफॉर्मेंस बढ़ेगा, तो वही होता है। बाकी लोग क्या करते हैं कि पढ़ाई लिखाई ज़्यादा होने के दिमाग ज़्यादा लगाते हैं, तो उससे सेल्स में कोई दिमाग नहीं करेंगे, लेने वाला भी बहुत होशियार होता है। ऐसा नहीं कि बहुत लोग बोलते हैं प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं या फिर ही आएगा, पर जैसे सर ने बोला है कि हम प्रोजेक्ट के बारे में नहीं बताते कि हम आजू बाजू वाले की बताते हैं, जब वो सेल्स होता है तो मज़ा आती है लाइन नए लोग से मिलना, ये करना, वो सीखने को भी मिलता है। राइट तो इन्होंने सेल में बताया कि बहुत लोग क्या करते हैं, नॉलेज तो पूरा बताने की कोशिश करते हैं, तो ये पूरा ना बता के कुछ एक्स्ट्रा आगे जो फ्यूचर में डेवलपमेंट होने वाले हैं वो सारी बातें करते हैं। खैर तो ये था, और ये बंदा ये बोल कम रहा है लेकिन अब बेस्ट परफॉर्मर बोल रहा हूँ तो रियली ये है।
तो आप उससे सुन रहे हैं, तो जो ये बोले जिस उसको मान लो कि बस मैं करता हूँ। अब जब जाओगे तो बहुत ज़्यादा नहीं बोलना है कुछ, क्योंकि उनको भी सब पता रहता है। रेंटल का कोई एक टिप देना चाहोगे? रेंटल का मैंने ऐसा अभी तो रेंटल का मुझे कुछ ऐसा बाय हाथ का खेल है, मतलब मैं कर सकता हूँ, करके मुझे अभी इतना सेल्स कर सकता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप जैसे हो मेरे पास, तो रेंटल तो हमको कुछ लगता ही नहीं, हो सकता है इतना उतना सेल का तो हम सर के पास आ जाते, पर रेंट का कुछ नहीं रखता है कि ऑलमोस्ट आप समझा देते हैं उसको, रेंट का इतना कुछ नहीं। आपने महीने में कितने लाख का रेंटल किया होगा एवरेज? मतलब 4 से 5 लाख। वाओ दोस्तों, सोच रहे हो ये फिगर्स एवरेज है, ये ऐसे नहीं कि किसी महीने हुआ था, और वो बोल रहे हैं ये बाएं हाथ का खेल है। हेलो, यकीन हो रहा है? सब होगा यकीन, आग होनी चाहिए बॉस, कुछ करने की चाहत होनी चाहिए। पता है आप पे जितना प्रेशर आएगा ना, उतने ही आपके कंधे मजबूत बनेंगे। इसके बाद प्रेशर आ गया, ये बंदे के खाने के वादे थे, ये नहीं करता तो क्या करता, इसको जैसे मिल गया इसे पकड़ के रख लिया कि आप आगे भागेंगे, उसको जैसे मेंटर मिल गया जो मैं बोलता हूँ वो 100% कर डालता है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता। इसने बोला ना बहुत पढ़े लिखे लोगों को दिक्कत होती है, सच है ये, ऐसे नहीं कि मैं पढ़ाई को बुरा बोल रहा हूँ, लेकिन वो अपना दिमाग यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो आगे ऑलरेडी है उसका दिमाग लगाओ, अपना हाथ पाँव लगाओ। कोई एक डील का एक्सपीरियंस शेयर करो जो बड़ा आपको, आज इतने सारे तो डील कर चुके हो, तो कोई एक एक्सपीरियंस कि ये वाली डील में मैंने कुछ अजीब सा सीखा या कुछ एक शेयर करो। डील का ऐसा सीखा है, हमने अभी पिछले महीने एक डील किया है, मतलब क्लाइंट आप बोलते हैं क्लाइंट के हिसाब से, पन जैसे बोलते हैं अपन भी क्लाइंट को घुमा सकते हैं, ऐसा नहीं कि क्लाइंट ही अपने को घुमाएगा। बंदे का पीछे पड़ा था रोहन मिथिला के लिए, मतलब बहुत कोशिश किया, सब कुछ किया, मतलब ऑलमोस्ट होने वाली डील थी, पता नहीं कैसे फिर हमने उसको कन्वर्ट किया वॉक्सी में लेने के लिए, वो बैकआउट हो गया। फिर बोले हमने कि सर इससे अच्छा ये है, तो ऐसे भी हुआ। तो सर जैसे बोलते हैं कि नहीं नहीं आप दिखाते रहो, तो हम दिखाते हैं। सीखने में ये मिलता है कि बंदे को आप कुछ और चॉइस है उसकी और कुछ और लेता है वो, तो वो एक सीखने को मिला है कि कुछ मत रखो, वो बोलेगा खाली रोहन मिथिला चाहिए, नहीं उसको दूसरा भी दिखाओ तो वो ले ही जाता है, ऐसा भी होता है। क्या बात है, बहुत बड़ी बात बताई दोस्तों। कहने का क्या मतलब था कि मान लो कोई बजा के आता कि मेरा 1 करोड़ का बजट है यहीं पे चाहिए, तो आपने उसका सुन लेना है, पर करना अपने मन की है, उसको सब दिखा दो, 1.5 करोड़ का भी दिखा दो, 75 का भी दिखा दो, अंडर कंस्ट्रक्शन भी दिखा दो, रेडी टू मूव भी दिखा दो, जो आपके पास है ऑप्शन दिखा डालो। आपको मैं हमेशा बोलूँगा, आप जो सोचते हो ना, जो अनुमान लगाते हो कि ये आदमी ऐसा करेगा, उसका अपोजिट ही निकलेगा। जैसे मैं पूछता हूँ, कभी बुलाता हूँ कि भाई बता इसमें से सबसे जेन्यून कौन है, तो वो जेन्यून वाले बाद में रह जाते हैं, और बोलता हूँ तेरे को टाइम पास कौन लगते हैं, तो पता लगा जो टाइम पास लग रहे थे ना वो पहले खरीद लेते हैं, या ये तो यहाँ नहीं लेने वाला है, इसको तो रेडी टू मूव ही चाहिए, और पता लगा वो वहाँ ले लेता है। अब हम ये जान नहीं सकते किसके अंदर क्या है, तो अपना काम है वो भी दिखा दो ये भी दिखा दो, सिंपल रखो, कीप इट सिंपल, यही है ना। Yes. कि सब दिखा दो ना यार, जो भी ऑप्शन है बाद में जाए ले नहीं ले, अपने को रिग्रेट नहीं होगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा तकलीफ क्या होती है, सब अपन ने दिखाया और वो वाला नहीं दिखा, पता लगा उसने वो ले लिया, तो लगता है यार क्लाइंट था, 2 महीना भागा, वो उसने बोला ही नहीं था कि मैं ये भी लूँगा, हमारा डी का जैसे हो गया था। अपने साथ भी हुआ है, हमारे साथ एक हमने सब दिखाया, एक गलती से नहीं दिखाया, भाई ने वो ले लिया, क्योंकि वो देख 3 BHK रहा था, उसको कहाँ 2 BHK दिखाते, और वो बोला कि यार ले लिया, और हम जितने में दे रहे थे, मतलब वो हम 80 में दे रहे थे, बंदे ने 85 में दे लिया। सोचो चमत्कार। तो आप लोग ज़्यादा ये मत, ये नंबर का गेम है, ज़्यादा लोगों को दिखाओ, ज़्यादा लोगों को कॉल करो, सिंपल रखो, एक्साइटमेंट रखो। जो इस बंदे में मैंने क्वालिटी देखी है, ऑनेस्ट रहो, मेरे ख्याल से यही कुछ चीज़ें हैं। इसके अलावा कुछ संतोष तेरे को बोलना जाते जाते? नहीं, यही है। मज़ा आ रहा है तुझे? एक नंबर सर। जिंदगी भर रियल एस्टेट ही करना है आपके साथ ही है तेरी तो। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप दबा के कमेंट करना इस भाई के लिए, जिसने ऐसी स्टोरी बताई है, यू नो गूज़बम्प आ रहे हैं, जैसे रोए खड़े हो जाते हैं यार, रियली बहुत ही। आप जो भी तो साफ सफाई से आना और उसके बाद एकदम सेल्स मैनेजर बनना, मेरे एकदम साथ में बैठ के, मतलब मेरी भी जरूरत नहीं है बंदे को, 99% जो भी करता है अकेला ही करता है, मैं देखता भी नहीं हूँ। सोचो अगर ये कर सकता है, इफ ही कैन डू इट, आई थिंक यू ऑल कैन डू इट।
ट्रस्ट मी विद दिस आई हैव डन, थैंक यू सो मच दोस्तों। और जाते जाते जो एक मजे की बात बता देता हूँ कि आप लोगों को, क्योंकि मैं तो संतोष के साथ हूँ, आप लोगों के साथ नहीं हूँ, तो एक ऐप आ गया है सनत नाम का, जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं अपने ऑफिस के लोगों को बताता हूँ उससे भी बेहतर बेहतर मैंने वो ऐप पे डाल रखी है। आप लोग प्ले स्टोर में जाओ, उसको डाउनलोड करो, उसका इस्तेमाल करो, ठीक है। खूब हिट करो लाइक बटन को, क्योंकि संतोष ये वीडियो देखेगा उसे भी लगेगा कि हाँ यार मैंने बताया था और लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। और अगर ज़्यादा आते हैं 100 से ज़्यादा कमेंट, मैं वापस से संतोष को बोलूँगा तो इसके बाद और भारी भारी एक एक यू नो बड़े बड़े सीक्रेट और बताएंगे आपको। विद दिस वी आर डन, थैंक यू।